इतना ज्यादा फॉगी मौसम हो रखा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं रजनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। तो अभी मैं ना छत के ऊपर आई हूँ घूमने के लिए, और छत के ऊपर से जो मौसम है, जो व्यू है ना, वो वैसे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है यहाँ पर। चारों तरफ अगर आप देखें ना, धुंधे धुंधे, और इस वाली साइड में सूर्य देव जो है अब जो है निकलने वाले, थोड़ी लाइट जो है ना आना शुरू हो गई है। और इस समय जो है घूमने का एक अपना ही अलग मज़ा होता है। तो मैं छत में आई हूँ थोड़ा सा आनंद लेने के लिए मौसम का, और सभी मौसम का मज़ा जो है लेना भी चाहिए। और सबसे पहले आप सभी को ना टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है टीचर्स डे। और आज का दिन जो होता है ना, वो हमारे उन गुरुओं को समर्पित होता है जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम अपनी मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक, अपनी डेस्टिनेशन तक जो है पहुंच जाएं। तो उनको आज के दिन में उनका धन्यवाद जो है करना हमारा कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि गुरु तो है, गुरु के बिना जो है कोई भी ज्ञान नहीं, और गुरु के बिना हम एक अच्छा जो रास्ता है वो भी नहीं चुन पाते। तो गुरु का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आपको अपने अपने उन गुरुओं को जो है आप सभी जो है धन्यवाद आज के दिन देते ही हैं। और हम लोग भी आज स्कूल में सेलिब्रेट करने जाएंगे ये टीचर्स डे, तो वो कैसा रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में आके, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, बस अब थोड़ा सा मेरा मॉर्निंग वॉक यहाँ पर हो गया। सुबह सुबह घूमने का आनंद यहाँ पर लिया, एकदम मतलब फ्रेशनेस आ जाती है माइंड में जब हम इस तरह सुबह घूमने के लिए आते हैं ना छत के ऊपर, ठंडी हवा, और साथ में ऐसा हवा तो नहीं चल रही पर फिर भी मौसम ठंडा है, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मल ठंड जो है होना शुरू हो चुकी है सुबह सुबह। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, क्योंकि आपको पता ही है कि मॉर्निंग में जो है हम लेडीज़ के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हो गया है टाइम 8:30, और मैं निकल चली हूँ स्कूल के लिए। और ये जो रास्ता है ना, इससे जाने का एक अपना ही मज़ा होता है। एक तो देखिए धूप बिल्कुल नहीं है, छाया है, चारों तरफ हरियाली है, और हरियाली के बीच से जाते हुए ना एक अपना ही अलग आनंद होता है। ये देखिए हमारे सारे बच्चे अभी जो है ना पूरी तैयारियां कर रहे हैं यहाँ पे, ये हो रही है इनकी तैयारियां। तो देखा ना आपने, बच्चे कितने जोरों शोरों के साथ अपनी तैयारियों में लगी है। तो आज कार्यक्रम तो रहने ही वाला है, साथ ही साथ में बच्चों का अपना जो कार्यक्रम रहता है, अपनी जो अरेंजमेंट रहती है अपने टीचर्स के लिए, वो सारी रहने वाली है। तो बस उसी की तैयारियां यहाँ पर लगी हुई है बच्चों की, और मैं भी ना उनकी क्लास टीचर हूँ, तो फिर मैं भी उनकी यहाँ पर हेल्प कर रही हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है अपने बच्चों की हेल्प करना, तो जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, एंड फाइनली इनकी तैयारियाँ हो चुकी हैं। और अब आपको ले चलते हैं अपना कार्यक्रम दिखाने। गुरुवर हैं बड़े महान, गुरुवर हैं बड़े महान, हम तो थे काले पत्थर, हमें गुरु ने ही चमकाया, 51 किलो में तपा कर हमें सोना खरा बनाया। तो ये है हमारा कार्यक्रम, और जो कार्यक्रम में चीफ गेस्ट आए हैं मैम, वो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता हैं शिक्षा के क्षेत्र में ही, तो उनको भी सम्मानित किया गया, और साथ ही साथ सभी टीचर्स को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। मेरे दिल का लेके चैन खो गया, खो गया।
मैं तुम सबसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उसके सही से जवाब देना। तुम बताओ टिंकू, स्कूल क्या है? स्कूल से रहती थी आशा कूट टाइगर नाथ बाबूजी। और तुम बताओ वास्तविका में भारी सब आया था, मैडम से ठंडा भी चाहिए रहा सर्दियों में कैसे? मैं देख लिया तुमने पैंट कोट पहन रहा तो ठंडा भी चाहिए रहा, मतलब इस नीचे बैठ। तुम बताओ गांधी जी का जन्म कब हुआ था? मैडम जी 1879 में। तुम बताओ 1870 में क्या हुआ था? मैम गांधी की सैलर हुआ था। नीचे बैठ बदतमीज, सारी अपनी कॉपियां चेक करानी को लाओ। गोगी और टप्पू तुम्हारा काम कहाँ है? ये है। ये किसने किया? इसने। बदतमीज गोगी खुद तो पढ़ता नहीं और पेज भी फाड़ देता है। मैडम जी आपसे एक सवाल पूछूं? यस यस। अगर तुम ये कुछ ना कितना होगा तो कुछ अब बोलना चाहिए। नो नो मैं अभी तो आपकी काम है, काम नहीं किया। बदतमीज हाथ दिखा नीचे बैठ। अगर तुम सुधरना चाहते हो तो अपनी माँ, अपनी टीचर को अपनी माँ के समान समझो। मैडम जी आखिर बाप रोज डॉक्टर भी नहीं जाना। मैंने तेरे से 100 रुपये उधार दिए थे ना, ये ले तेरे 50 रुपये, 50 रुपये बाद में दूंगा। ना मिलू तेरे तो बिल 100 रुपये ले तेरे 50 रुपये हो गए पूरे, अब बाद में मत बोलना। मैंने भी दिए तेरे हो गए पूरे। ले मेरे 50 रुपये ले होए के पूरे, देखा बोल दूंगा जाओ। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। सिट डाउन सिट डाउन। एक मिनट मैम, सब बच्चों की पिकनिक जा रही है, 200-200 रुपये लगेंगे। मैडम जी मेरा पापा अंबानी नहीं आ सकते, सब देते पैसे। मैम नहीं दे सकती। मैम नहीं दे सकती। हमने सोचा है और हम तुम्हें फ्री में लेके जाएंगे। ठीक है, है। मैं तो 500 लाऊंगी। मैं 500 लाऊंगी खाने। लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहते हैं, और जब से आपको देखा क्या कॉपी क्या पेन, तेरे मस्त मस्त हो हैं, मेरे गले गए चैन, खो गया कॉपी खो गया पेन। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। नींव को मजबूत कर उस पर एक मजबूत घर यानी सफलता रूपी घर का निर्माण करता है और उसे सफल बनाता है। विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, हमें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। कबीर जी का एक प्रचलित दोहा है जिसमें उन्होंने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाओ। इसमें कबीर जी ने कहा। तो कार्यक्रम के बाद जिस तैयारी में बच्चे सुबह से लगे हैं, बस अब वो क्षण इनका जो है ना आ गया, इनकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। तो ये हमारी कोई नहीं, कैंडल नहीं जलानी। प्रधानाचार्य जी और बच्चों को
प्लेट रखो बेटे। आज परम जी जी आओ। ये आप देख सकते हैं, ये है गिफ्ट जो कि बच्चों ने दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। वाह, इसके अंदर भी देखा जाएगा क्या है। एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा छल्ला, ये देख सकते हैं आप। ये एंड ये जो है बच्चों ने दिया हुआ है। तो देखा ना फ्रेंड्स कि इस पैकिंग के अंदर कितना कुछ था। बहुत ही प्यारी सी जो है बॉटल बच्चों ने मुझे दी है। एंड उसके बाद जो है ये बहुत ही प्यारा सा आप देख सकते हैं चाबी का छल्ला है। एंड ये जो है बहुत ही प्यारे से इयर रिंग्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारा गिफ्ट ना बच्चों ने दिया है आज जो है इस टीचर्स डे के ऊपर मुझे। तो थैंक यू अपने बच्चों को यहाँ से बोलूँगी, क्लासरूम में तो मैं जाके उनको बोलूँगी ही, बट यहाँ से भी मैं उनको जो ना थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना जो है उन्होंने प्यार, एक प्यार है उनका। और जब तक मैं इस इनका जो ये गिफ्ट है ना बहुत संभाल के रखती हूँ, क्योंकि ऐसे भी ना मुझे जो बच्चों के गिफ्ट होते हैं ना वो बहुत संभाल के मैं रखती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के साथ देखिए ना चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, बच्चों की इमोशंस की वैल्यू होती है कि उनकी जो है मेरे लिए कितनी इमोशंस हैं, मेरे साथ उनकी कैसी बॉन्डिंग है। और वो जो है उन्होंने अपने इस गिफ्ट के जरिए जो है शो किए हैं यहाँ पर। तो थैंक यू बच्चों, बहुत प्यारा है आपका गिफ्ट, आप जितना ही प्यारा है, तो इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था लास्ट में। एंड आपको हमारा जो आज का कार्यक्रम था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया पीछे कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको बच्चों के कार्यक्रम जो है कैसे लगे और ब्लॉग जो है आज का कैसा लगा। और भाई हाँ, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया ना चैनल के ऊपर तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना तो प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक मतलब एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अगर एक एक फ्रेंड जो है रोज़ जुड़ेगा मेरे साथ तो मेरा परिवार जो है ना YT परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और उसका सपना मैंने भी देखा है कि एक दिन मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा हो। तो बूंद बूंद से घड़ा भरेगा तो वैसे ही मेरा भी एक एक मेरे फ्रेंड एक एक मेरा फैमिली मेम्बर अगर मेरे साथ जुड़ता रहेगा तो मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ आगे और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।